खेलना चाहते हैं GTA 5 अपने पुराने PC पे, पर आपका PC इतना रद्दी है कि यार GTA 5 चला ही नहीं पाता है। कि कोई भी बात नहीं, आपका भाई आपके साथ है तो डरने की क्या बात है। तो वेल गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो खासकर लो एंड PC वाले लोग के लिए होने वाला है। जिनके पास लो एंड PC है तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। यहाँ पर पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर हम कोई भी मोड्स का यूज़ नहीं करने वाले हैं। पहली बात, आप मोड्स का यूज़ नहीं करने वाले तो कैसे खेल सकते हैं? बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार रहेगा कि यार कैसे हम खेल सकते हैं। आगे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। आप वीडियो स्टेप छोड़ देते हो, आपका गेम नहीं चलता, कुछ एरर आता है या कुछ भी ऐसा आप स्टेप मिस कर देते हो जिस कारण से आपका एरर आ जाता है, फिर मेरे को यहाँ पर कमेंट आता है भाई मेरा गेम नहीं चल रहा। इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। प्यारे भाई लोग, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस मैं इतना ही बात कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो भाई सबसे पहले आपको एक फाइल डाउनलोड करना है, GTA 5 लो एंड PC सेटिंग YTP, ठीक है? तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ से ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आप इसे एक्सट्रैक्ट कर ले, एक्सट्रैक्ट किसी से भी कर सकते हैं 7zip या WinRAR से। जब यहाँ एक्सट्रैक्ट करोगे, यहाँ पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड है YTP, आपको पता है। सिंपली हम ओके करते हैं एंड सभी कैपिटल लेटर पर पासवर्ड लिखना, ठीक है? तो हम ओके करते हैं और लीजिए भैया यहाँ पर जो है हमारा फाइल एक्सट्रैक्ट भी हो गया है। ये रहा हमारा फाइल, तो हम फाइल को ओपन करते हैं। ओपन करते तो यहाँ पर आपको तीन कैटेगरी मिलेगी, यहाँ पर है लो एंड PC, सुपर लो एंड PC एंड सुपर अल्ट्रा लो एंड PC। अब यहाँ पर मैं कैटेगरी को थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पर सुपर अल्ट्रा लो एंड PC जो है वो उन लोगों के लिए जिनका PC एकदम रद्दी है, क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी मोड्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो जिनके पास रद्दी PC है वो ये यूज़ करें, एंड जिनके पास उससे थोड़ा अच्छा PC है तो आप सुपर लो एंड PC यूज़ कर सकते हैं, एंड जिनके पास सुपर लो एंड PC से भी एक अच्छा PC है वो लो एंड PC पे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम सुपर अल्ट्रा लो एंड PC पे जाएंगे। जैसे ही इसे आप ओपन करोगे यहाँ पर आपको कुछ रेजोल्यूशन दिखेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पर हम कोई भी मोड्स इंस्टॉल नहीं कर रहे, हम चाहेंगे कि अपने किसी भी बिना मोड इंस्टॉल किए हम अपने GTA 5 को अच्छा रन कर पाए एंड बेहतर FPS अपने को मिल पाए। तो यहाँ पर आपको 800x600, 1280x720, यहाँ काफ़ी सारे FPS है, तो यहाँ पर अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। बट जितना बड़ा आप स्क्रीन रखोगे FPS कंज्यूम होता है, मतलब आपको उतना FPS कम मिलेगा। तो हम सबसे छोटा स्क्रीन डिस्प्ले पे चलते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर एक सेटिंग करके दिखा रहेगा, सिंपली आपको यहाँ पर एडिट पे जाना है, ठीक है? हम थोड़ा नीचे आते, जैसे ही आप नीचे आओगे यहाँ पर आपका ग्राफिक कार्ड का नाम लिखा रहेगा, ठीक है? फिक कार्ड का नाम रहेगा। अगर आप, अरे भाई लोग, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ग्राफिक कार्ड, आपके ग्राफिक कार्ड का कौन सा मॉडल है? तो सिंपली आपको यहाँ दिखाया टाइप हियर टू सर्च, सिंपली इस पे आना है एंड इस पे आपको टाइप करना है रन RUN, ठीक है? ओपन करना है एंड यहाँ पर आपको टाइप करना है दोस्तों DX, यहाँ DX DIAG, यहाँ पर आपको यस करना है। थोड़ा वेट करो, सिंपली हम डिस्प्ले पे चलते हैं एंड ये रहा दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर है NVIDIA GeForce GTX 1660। तो बस आपको इसको यहाँ पर इसे चेप देना है, मतलब इसे आपको सिंपली जो यहाँ लिखा है वही आपको सिंपली यहाँ पर लिखना। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करेंगे कि अपने हाथ से लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ स्पेस बिल्कुल नहीं करना है। जैसे कि मान लो यह स्पेस होता है, अगर आप ऐसे करते हो तो यहाँ पर आपका गेम ही क्रैश हो जाएगा या गेम नहीं चलेगा, ठीक है? जैसे जैसे यहाँ पर आपका जो लिखा है सिंपली आपको वैसे ही करना है। सिंपली हम यहाँ से कट करते हैं एंड अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से हम इसे सेव करते हैं, ठीक है?
बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड हाँ दोस्तों अपने फ्रेंड्स साथ जरूर शेयर करें जो इस गेम को अभी तक नहीं खेल पाए अपने लो एंड पीसी में। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना और अच्छे से रहना। और तब तक मैं यहाँ ट्रक वाले को ठोक लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।